सो आई रिसीव्ड माई फर्स्ट पेमेंट ऑन, सो मुझे कितना पेमेंट मिला, नाउ दैट्स द क्वेश्चन. कि फाइनली आई हैव स्टार्टेड यू नो अर्निंग फ्रॉम माई दीज वीडियोज फ्रॉम यूट्यूब. हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल. सो गाइज, वीडियो के टाइटल को देखकर तो आप लोग को पता चल गया होगा दैट मैं आज आप लोगों से क्या चीज शेयर करने वाली हूँ. येस गाइज, आई हैव रिसीव माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब फाइनली. सो मैं ना बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए. मैं काफी ज्यादा सोच रही थी इस टॉपिक पे, बट देन आई रियलाइज दैट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यू नो खुद यूट्यूब में आना चाहते हैं, वीडियोज बनाना चाहते हैं, यूट्यूब से कमाना चाहते हैं, उनके लिए शायद ये वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशनल हो सकता है. सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरा पूरा यूट्यूब का जर्नी, मैंने क्यों शुरू किया, कब शुरू किया, ऑल्सो द मोनेटाइजेशन प्रोसेस जो मैंने किया अपने यूट्यूब से पेमेंट पाने के लिए. सो ये सब चीजों के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे. और उससे पहले गाइज, आज का दिन मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ मेरी फेवरेट ड्रिंक से. इन दिनों के समर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ ठंडाई पी रही हूँ जो कि है ऑरिक से. मतलब ये नॉर्मल जो ठंडाई हम होली पे बनाते हैं, आई एम श्योर आप लोग भी यू नो होली में ठंडाई पीते तो होंगे ही, तो उससे भी ना बहुत बहुत स्वादिष्ट है. से बनाना इतना इजी है, कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी. पर उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ गाइज, ये देसी खांड से बना हुआ है. ड्राई फ्रूट जैसे एलमंड, कैश्यू, पिस्ता, फिर जो स्पाइसेस है लाइक सौंफ, इलायची और सेफ्रन, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ. जो केसर की एकदम खुशबू होती है ना, ये आपको पूरा इस ड्रिंक पे मिलेगा. तो ये सारी चीजों से बना हुआ है, तो विच हैज टू बी इन अ ठंडाई, वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें है. पर गाइज, ये नॉर्मल ठंडाई की तरह नहीं है कि सिर्फ स्वाद आपको देता है, ये एक आयुर्वेदिक ठंडाई है. ये आपके हेयर, स्किन और नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है. अगर आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है ना, तो आपको डेफिनेटली इसे जरूर ट्राई करना चाहिए. इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी ये हेल्प करता है, तो बहुत सारी खूबियां है इसमें. अभी मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि बनाना इसको बहुत आसान है, तो अभी आप देखिए कि हम इसे बनाते कैसे है. पहले ना हम एक डीप पैन गैस में चढ़ा देंगे, फिर उसमें एक ग्लास मिल्क हम उस पर डाल देंगे. फिर दूध डालने के बाद हम गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर देंगे. फिर हमें ऑरिक ठंडाई का 2 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर पैन में डाल देना है. उसके बाद विस्क या स्पून से इसे अच्छे से स्टिर करना है ताकि कोई लम्स ना रह जाए. बस फिर एक उबाल आने पे गैस को जो है बंद कर देना है. फिर रेडी ठंडाई को एक ग्लास में ट्रांसफर करके रूम टेम्परेचर में लाना है. तो हमारी ये ठंडाई अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है. अब हमें इसे 15-20 मिनट्स के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखना है. फिर 15-20 मिनट्स बाद फ्रिज से निकाल के मस्त पी जाओ. इतना स्वाद है कि क्या बताऊँ मैं. देखा गाइस कितना इजी है इस ठंडाई को प्रिपेयर करना. तो लिंक मैं डेफिनेटली इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग प्लीज चेक करिएगा. एंड तब से ना मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही हूँ. मैं एक सिप ले लेती हूँ, फिर हम अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं. बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, यू मस्ट ट्राई दिस. तो एनीवे गाइस, अब हम करते हैं हमारा एक्चुअल वीडियो शुरू. ओके गाइज, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे. ये वीडियो काफी स्पेशल वीडियो होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस होता है ना किसी भी चीज का, वो बहुत खास होता है. मुझे मेरी पहली पेमेंट मिली है फर्स्ट टाइम फ्रॉम यूट्यूब, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सो गाइज, मेरे पास ना बहुत सवाल आते हैं ये पूछते हुए कि आप क्या कोई और जॉब कर रहे हो. तो पहले तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ. सो जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, तब भी मैं कोई दूसरा कोई जॉब नहीं कर रही थी. एंड आज मेरे लिए मेरा यूट्यूब ही यू नो एक करियर है जिसे मैंने चुना है. सो ये पॉसिबल इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड. सो ही वॉज देयर टू यू नो लुक आफ्टर दी अदर एक्सपेंसिस. इस वजह से जो मुझे पसंद है करना, वो मैं कर पाई हूँ. सो ऑब्वियसली आई ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज ऑफ यू नो हिज सपोर्ट, जिसके वजह से आज मैं ये यूट्यूब ऑनेस्टली स्टार्ट कर पाई हूँ. सो या नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज गाइज, कि मैंने यूट्यूब क्यों चूज किया, या फिर मैंने कब सोचा कि मुझे यूट्यूब बनाना चाहिए. सो पर्टिकुलरली मैंने बहुत सारे यू नो और भी क्यू एंड ए वीडियोज जो भी मैंने किए हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी पूछा, यू नो ऑलरेडी बताया था आप लोग को कि ये
YouTube को चूज करने का जो फैसला था वो एक ही दिन में नहीं आता है गाइस, वो एक प्रोसेस होता है। जैसे यू नो आपका जो इंटरेस्ट है वो एक ही दिन में नहीं होता है कि यार बड़ा मजा आ रहा है YouTube देखकर तो चलो आज ही चैनल खोल दिया जाए। ये एक इंटरेस्ट होता है जो डे बाय डे यू नो बिल्डअप होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक हफ्ते से यू नो मैं लॉकडाउन का टाइम था बाय द वे 2020 की बात है ये, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा यू नो वीडियोस देखने लग गई थी बिकॉज ऑब्वियसली सभी घर पे थे, क्या ही करना था। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा यू नो वीडियोस देखने लग गई थी मैं। तो देखते देखते मुझे एक दिन लगा कि शायद मैं भी ये कर सकती हूँ, एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे यूट्यूबर ही बनना है, मुझे यूट्यूब का चैनल ही खोलना है। बट गाइस यूट्यूब खोलने से पहले मैंने जो बेसिक एडिटिंग है ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी सीख लिया था। मैंने ये कभी नहीं किया कि मैंने चैनल खोल दिया, वीडियो भी बना दी, उसके बाद मैं एडिटिंग सीख रही हूँ। नहीं, ऑब्वियसली मेरा आज पहला वीडियो आप देखोगे और कुछ नए वीडियोज अगर आप देखते हो तो कंपेयर करके आपको खुद दिखेगा कि बहुत डिफरेंस है यू नो एडिटिंग में। बातें करने का जो कॉन्फिडेंस है वो ऑब्वियसली ज्यादा अभी बढ़ा है, पर फिर भी मैंने इतना समझ लिया था कि पहले सब कुछ सीख लो उसके बाद ही वीडियो बनाओ। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल मोनेटाइज हो और आपको पेमेंट चाहिए तो उसका एक दो माइलस्टोन है, दो थ्रेशोल्ड है बेसिकली जिसे आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही यू नो आप अप्लाई कर सकते हो अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो एक है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स आपको होने पड़ेंगे आपके चैनल में। दूसरा है कि आपको 4000 घंटा आपके किसी भी एक वीडियो में, या फिर अगर आपने 10 वीडियो डाला तो 10 वीडियो में मिलाकर बट 4000 वॉच आवर्स होना ही पड़ेगा, तभी जो है आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स मोनेटाइजिंग योर चैनल। तो गाइज मैंने जो है अपनी इस डायरी में सारे डेट्स वगैरह सब मेंशन कर रखा है कि कब मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया था, कब मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया और कब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, तो सब कुछ इसमें मेंशन है। तो यही से देखकर मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। सो गाइज 3rd of July 2020 को मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, एंड दैट वॉज द फर्स्ट डे वेन आई अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो बेसिक एडिटिंग है वो मैंने पहले ही सीख लिया था बिफोर आई यू नो अपलोडेड द फर्स्ट वीडियो। तो मैंने वो रेडी करने के बाद इस डेट को, दैट इज 3rd of July 2020 को मैंने वो अपलोड कर दिया था। एंड उसके बाद गाइज मैंने ना जो भी मेरे को वीडियोस पसंद थे ना बनाने का, मैंने वो सब बनाया। पहले मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की, जो भी कोई न्यूज़ है वो बनाया। आप चेक कर सकते हो अभी भी वो वीडियोस है, एंड मैं उसे डिलीट करने का बिल्कुल नहीं सोचती हूँ बिकॉज वो वीडियोस को मैं देखती हूँ ना तब मुझे पता चलता है कि कितना यू नो मैं आगे बढ़ी हूँ। तो दोज वीडियोज विल ऑलवेज हेल्प मी ग्रोइंग ओनली, सो उसे मैं बिल्कुल ही डिलीट नहीं करूंगी। एंड उसके बाद गाइज मैं ये कह रही थी कि इसकी वैसे टाइप ऑफ टॉपिक्स जो है मैंने कवर किया। फिर मैंने मार्केट टूर मुझे बहुत पसंद था, हॉल्स पसंद थे करना, तो वो सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पे यू नो डालने लग गई, कवर करने लग गई वो टॉपिक्स। बट एक बार क्या हुआ, मैंने मेरा एक खुद का एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था जो कि ऑनेस्टली रियल ही है। तो वो मैंने जब शेयर किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए उस टाइम पे, एंड आज के डेट में वो 2.5 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। तो वो वीडियो काफ़ी अच्छा गया उस टाइम पे, एंड जिसके वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स जो है थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी ऐड हो गए। तो फाइनली सेवन मंथ्स में दैट इज़ 22nd of February 2021, सो 7 मंथ्स में मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट किए। एंड उसके बाद 28th of April 2021, दैट इज 9 मंथ्स पे मैंने 4000 वॉच आवर्स कम्प्लीट किए। एंड उसी दिन दैट इज 28th April 2021 में मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। सो ऑब्वियसली मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे पैसा चाहिए, ये वाला एकदम बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा होता तो वीडियोज आप नहीं बना पाओगे हर दिन विदाउट एनी पेमेंट, आप नहीं आपका वो जील आएगा। तो मेरा बिल्कुल ही वैसा नहीं था, पर ऑब्वियसली मुझे अपना चैनल मोनेटाइज जरूर करना था। अगर मेरे को वहां से पेमेंट आ रही है तो इट्स ऑब्वियसली अ गुड थिंग। सो आई टुक ऑल द इन्फॉर्मेशन इवन बिफोर आई स्टार्टेड माई चैनल। तो बहुत लोग ऐसे ही चैनल खोल देते हैं विदाउट इवन हैविंग दिस नॉलेज, बट मेरे पास यस नॉलेज थी कि मोनेटाइज करने से आपको यू नो पेमेंट मिलती है। तो ये सब का नॉलेज मुझे
था, तो मैंने इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नोटिस कर भी रही थी कि कब मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स अगर कंप्लीट होता है तो मैं मोनेटाइज कब अप्लाई कर पाऊंगी, तो ये सब का इन्फॉर्मेशन मुझे था। तो मैंने फाइनली जिस दिन 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हुए मेरे, थोड़ा ज्यादा ही क्रॉस कर गए थे, तो मैंने उसी दिन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, विच वॉज 28 अप्रैल को 2021। सो उसके बाद 3 मई को गाइज 2021 में मुझे मेल आया यूट्यूब से सेइंग दैट दे हैव अप्रूव्ड माय चैनल फॉर मोनेटाइजेशन। सो दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे मेरे लिए कि जब मेरा चैनल अप्रूव हो गया था एंड आई कुड सी कि दिस माइट बी अ सोर्स ऑफ इनकम भी मेरे लिए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी वो मेल को पढ़कर, बहुत बार मैंने वो मेल पढ़ा। उसके बाद जो भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह मुझे डालना था तो वो सब कुछ मैंने वो प्रोसेस अच्छे से फिल किया। एंड देन गाइस जून 26, 2021 में मेरे पास मेल आया जो एडसेंस पिन होता है टू बेसिकली वेरीफाई योर एड्रेस एंड वेरीफाई इफ इट इज यू जिसका चैनल है ये, क्या वो सही जगह में वो पेमेंट भेजेंगे, वो सब चीज के वेरिफिकेशन के लिए वो एक एडसेंस का पिन भेजते हैं जो एक सीक्रेट से एटीएम पिन होता है आपको मिलता है, उसी तरह से सीक्रेट कोड सीक्रेट वे में वो पिन भेजते हैं। वो पिन मेरे होम टाउन में जो मेरे डॉक्यूमेंट में एड्रेस था वहां पे भेज दिया गया करके एक मेल आया। सो उसके बाद जून 26 को मेल आया था, फिर जुलाई 8 यानी कि 10 दिन में वो जो पिन है मेरे होम टाउन में रिसीव हो गया एंड माय मॉम कॉल्ड मी अप एंड शी गेव मी द न्यूज कि यूट्यूब से वो एडसेंस का पिन आया है। एंड दैट वाज सच अ हैप्पीएस्ट डे मेरे लिए क्योंकि आई वाज गोइंग आई वाज गेटिंग क्लोज टू दैट मोनेटाइज वाला होल प्रोसेस में, सो आई वाज वे टू हैप्पी। देन या तो वो पिन आया, तो वो पिन जो है मुझे एडसेंस पेज में जाके डालना होता है एंड दैट्स हाउ दे वेरीफाई दैट येस यू आर द राइट पर्सन जिसके पास वो पिन गया है एंड वो लोग राइट पर्सन को वो पेमेंट करेंगे। सो या सो ये प्रोसेस मैंने पूरा कंप्लीट किया एंड देन आई जस्ट हैड टू वेट फॉर माई पेमेंट। नाउ गाइज आपका पूरा ये मोनेटाइजेशन प्रोसेस जो भी डिटेल्स वगैरह होता है आपके सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपके वीडियोस में जो है एड्स लगना शुरू हो जाते हैं। सो वो तो आज का ये रूल थोड़ा सा अभी अलग हो गया है, ऐसे भी अगर कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है उसके सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है लाइक 200-300 तभी भी एड्स आते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि वो लोग हजार वो जो थ्रेशोल्ड है 4000 वॉचर्स और 1000 का जो सब्सक्राइबर का वो कंप्लीट नहीं होता तो उस एड से उनको पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं। बट येस अगर जिनका ये हो जाता है मोनेटाइज प्रोसेस एवरीथिंग उनको उन एड से पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक आपका $100 उन एड से आप नहीं कमाते हो तब तक आपको आपकी पेमेंट नहीं मिलती है। सो आपको जैसे इस बार मुझे ये पेमेंट मिल गई $100, अगर मुझे नेक्स्ट मंथ मेरा $100 मैं अर्न नहीं कर पाती हूँ तो अगेन मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। सो एवरी मंथ यू हैव टू अर्न $100, आपके वीडियोस इतने अच्छे चलने पड़ेगा जिससे $100 आप कमा सकते हो, वही उसके बाद जो है आपको पेमेंट मिलती है। तो पेमेंट आपको 21st ऑफ एवरी मंथ मिल जाता है, बट इस बार जो 21st था आई थिंक वो सैटरडे या संडे था, बट या वीकेंड में था। तो अगर ऐसा होता है तो आपको फिर नेक्स्ट डे वर्किंग डेज में जो होते हैं मंडे टू फ्राइडे के बीच में मिलता है। सो आई रिसीव्ड माय फर्स्ट पेमेंट ऑन 24th of May 2022। ऑब्वियसली वीडियो बनाने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, एज बहुत सारे लोगों को जो और मेरे अदर वीडियोज देखते उनको ये बात पता थी, पर ये वीडियो मुझे बनाना था, आप लोगों से शेयर करना था। सो एनी वे, सो 24th of May को मेरे पास मैसेज आया दैट योर ICICI बैंक इज क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। सो मुझे कितना पेमेंट मिला, नाउ दैट्स द क्वेश्चन। सो $100 ऑब्वियसली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा $100 में कितना पेमेंट होता है, बट आई के नॉट रिवील वट एग्जैक्ट अमाउंट आई रिसीव, बट $100 से मुझे थोड़ा ज्यादा मिला है बिकॉज मेरे कुछ वीडियोज उस महीने काफी अच्छे जा रहे थे तो इसलिए। सो या मतलब इट्स सच अ ग्रेट थिंग फॉर मी कि फाइनली आई हैव स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम माई दीज वीडियोज फ्रॉम यूट्यूब। एंड गाइज सी, जैसे मैंने 7 मंथ्स में मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स मिले, मुझे 9 मंथ्स में मेरा 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हुआ, तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिसके 2 या 3 महीने में ही 1000 सब्सक्राइबर्स तो बहुत पीछे रह जाते, मैं बहुत ज्यादा क्रॉस कर लेते हैं वो लोग, और 4000 वॉच आवर्स भी उनके 3 महीने में ही कंप्लीट हो जाता है। तो कईयों की
ना ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है, एंड कहियो कि ग्रोथ बहुत सारे चैनल ऐसे जो बहुत यू नो स्लो जा रहे हैं, तो इसमें मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग को अपना देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे आप लैक कर रहे हो। आप देखिए कि आपका कौन सा वीडियो ज्यादा अच्छा से चल रहा है, क्या ऑडियंस यू नो देखना पसंद कर रहे हैं, उसी टॉपिक के आधार पर आप अपना वीडियोज बनाइए। जैसे मेरे चैनल में बेसिकली पीपल लव वॉचिंग माई हॉरर वीडियोज, दे लव हाउ आई नरेट द स्टोरीज टू देम, तो इसलिए मैं अपने ऑडियंस के लिए ऑब्वियसली मैं हॉरर स्टोरीज वगैरह मेरे चैनल पे मैं शेयर करती हूँ। एंड योर मेन फोकस शुड बी व्हाट योर ऑडियंस वांट्स टू वॉच, दैट्स इट। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस को क्या देखना पसंद है आपके चैनल में, एंड उसी के आसपास आप अपना वीडियोज बनाइए, तो शायद आपके व्यूज हो, आपके चैनल की ग्रोथ हो, वो शायद थोड़ा ज्यादा यू नो जल्दी आगे बढ़ेगा। And one more thing I want to say guys, that आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ YouTube से payment आता है, that is the only कमाई, नहीं, because आप collaboration से बहुत कमा सकते हो। So मैंने YouTube का first payment मुझे अभी मिला है 22 months में, like 2 साल होने को सिर्फ 2 महीने बचे थे तब मुझे मेरा first payment मिला है YouTube से, but मैं earn बहुत पहले से कर रही थी YouTube से through collaborations। So मेरे पास collaborations आते थे, मैं उनसे बहुत पहले से earn कर रही थी, तो आप भी ऐसा कर सकते, बस आपको जो है ना गाइज, आपको हार नहीं मानना है, आपको थकना नहीं है, आपको बस वीडियो बनाना है। द ओनली रीजन कि आप वीडियो नहीं बना रहे हो उस दिन, इट्स शुड बी ओनली योर हेल्थ। अगर आपकी तबीयत खराब है तभी आप इसको मिस करिएगा, अदरवाइज आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है YouTube में, तो मेक श्योर कि आप इसे फॉलो करो। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज दैट बहुत सारी नो पेड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है कि आप आसानी से अपना 1000 सब्सक्राइबर्स कर सकते हो, आप 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करवा सकते हो, बट गाइज जब आप कोई चीज खुद से खरीदते हो और कोई आपको गिफ्ट करता है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आपको अगर कोई चीज चाहिए एंड आपको कोई और खरीद के देता है, एंड आपको खुद अपने पैसे से खरीदो, उसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। एक सब्सक्राइबर जो खुद की मेहनत से जब प्लस वन होता है ना, That is like way too good feeling कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो आप खुद करिए, खुद मेहनत करिए, एंड एक दिन आप डेफिनेटली इस मुकाम में पहुंचोगे जब आपको भी यू नो यूट्यूब से पेमेंट आने शुरू हो जाएगी। सो दिस इज इट गाइज, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यू नो मोटिवेट किए होंगे, स्पेशली उन लोगों को जो YouTube में आना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू मेक अ करियर ऑन YouTube। बस गाइज आप लगे रहिए, अगर आपको वीडियोज बनाना पसंद है तो बिल्कुल YouTube में बना के आप जरूर डालिए। आप ये मत सोचिएगा कि यार 10 ही लोग देखते हैं या फिर 100 ही लोग देखते हैं, ये 10 से 10,000 कब हो जाएंगे ना एक ही महीने में, या फिर 10 लाख मिलियन व्यूज कब हो जाएंगे आपको नहीं पता। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड कीप मेकिंग वीडियोज एंड कीप एंटरटेनिंग। सो दिस इज इट गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो, स्पेशली उन लोग को यू नो जो यूट्यूब के वर्ल्ड में आना चाहते हैं, आई होप मैंने उनको थोड़ा सा मोटिवेट मैं कर पाई हूँ। एंड थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ऑलवेज बींग सो सपोर्टिव एंड लिविंग सच लवली कमेंट्स ऑन माई चैनल। Also guys, don't forget to check out the link of the Auric Thandai in the description box. It has no preservative and it's completely chemical free. Plus its quality is so good yet so affordable. It is also available in Amazon guys, and for latest offers do check out the link in the description box. So don't think much and buy it immediately and enjoy this pure Thandai in this summers. So this is it guys, I'll see you all very very soon again with another video. Till then, take care guys, stay safe and stay home. Bye.